हम साउथ की फिल्मों को पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ कुछ भी दिखा लो। हम छोटी से छोटी चीजों का बवाल कर देते हैं कि बॉलीवुड के एक्टर्स ने ये कहा, बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसा हुआ, हिंदू धर्म का अपमान हुआ। इन चीजों को लेकर क्यों नहीं कर रहे हो बॉयकॉट? जिन लोगों ने ये मूर्तियां बनाई है, जो पंडाल ने इस मूर्ति को लगाया, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए कि साउथ की फिल्में, देखो यार, हमें साउथ की फिल्में पसंद है, साउथ के कलाकार पसंद है, वहां पर जो फिल्मों में दिखाया जाता है संस्कृति सभ्यता सब कुछ पसंद है, पूजा पाठ सब कुछ पसंद है। लेकिन साउथ के एक्टर्स के नाम पर, फिल्मों के नाम पर प्रेरणा लेकर अगर आप गणेश जी की मूर्ति बना रहे हो तो ये बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि मूर्ति में क्या दिखा रहे हो आप, गणेश जी को आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो या कर चुके हो, ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। आपने देखा होगा कि पुष्पा में अल्लू अर्जुन क्या बने हुए थे, लाल चंदन के तस्कर बने हुए थे, किस तरह से वो तस्करी करते थे, गलत काम था वो। फिल्मों की बात छोड़ दीजिए कि फिल्मों में जो उन्होंने एक्टिंग की है वो अलग मैटर करता है, लेकिन बने क्या थे, एक तस्कर बने हुए थे, एक माफियाओं के साथ काम कर रहे थे, ऊपर से जो डायलॉग मारते हैं पुष्पा झुकेगा नहीं साला डायलॉग है, इस स्टाइल में आप गणेश जी की प्रतिमा बनवा रहे हो कि गणेश जी लाल चंदन के ऊपर बैठे हैं और यूं करके बैठे हुए हैं, इसका संदेश क्या देना चाहते हो कि गणेश जी भी चंदन तस्कर हैं और यही कहते होंगे कि झुकेगा नहीं साला, ये अपने आप में बेहद शर्म की बात है, डूब मरने वाली बात है। फिर रॉकिंग स्टार यश की जो फिल्म आई थी केजीएफ, केजीएफ 1 केजीएफ 2, अब दोनों ही फिल्मों में वो क्या है, एक माफिया है, गैंगस्टर है जो सोने की कालाबाजारी करते हैं, जो भी करते हैं, जो दिखाया गया है। अब उसी केजीएफ 2 से एक सीन है कि किस तरह से वो पुलिस स्टेशन के बाहर जब गोल्ड लेने पहुंचते हैं और उसके बाद पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा देते हैं AK-47 वगैरह लगाकर, तो इस स्टाइल में गणेश जी के हाथों में आप यश की जगह गणेश जी के हाथों में AK-47 पकड़ाकर मूर्ति बना देते हो, ये कितनी गलत बात है आपकी। आप गणेश जी को दिखाना क्या चाहते हो? गणेश जी को आप इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, एक भगवान को जो आस्था के प्रतीक हैं, जिनके ऊपर करोड़ों लोगों की आस्था है, हिंदू धर्म की आस्था है। हम साउथ की फिल्मों को पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ कुछ भी दिखा लो। मुझे ये बात अब तक समझ में नहीं आई कि अब तक इन चीजों को लेकर देश में बवाल क्यों नहीं हुआ। हम छोटी से छोटी चीजों का बवाल कर देते हैं कि बॉलीवुड के एक्टर्स ने ये कहा, बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसा हुआ, हिंदू धर्म का अपमान हुआ, इन चीजों को लेकर क्यों नहीं कर रहे हो बॉयकॉट? जिन लोगों ने ये मूर्तियां बनाई है, जो पंडाल ने इस मूर्ति को लगाया, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए कि साउथ की फिल्में, भाई साउथ की फिल्में हैं, लेकिन साउथ की फिल्मों में अगर वो गैंगस्टर की या माफियाओं की भूमिका में है तो आप उस तरह से गणेश जी को दिखाओगे, उनकी प्रतिमा को, ये अपने आप पे बेहद शर्म से डूब मरने की बात है। हाँ, इस तरह की प्रतिमा समझ में आती है कि भैया जैसे बाहुबली में बाहुबली ने अपने कंधे पर शिवलिंग को उठा लिया था, वो एक सही सीन था, और उस तरह से गणेश जी की प्रतिमा दिखाते हो तो अच्छी बात है, दिखाया भी गया है। फिर आप दिखाते हो RRR में जिस तरह से प्रभु श्री राम के वेश में रामचरण दिखाई पड़ते हैं, तो उस तरह से आप गणेश जी को दिखाते हो तो वो भी चलता है, लेकिन आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो, किन चीजों का कहां पर क्या इस्तेमाल करना है, वो चीजें इन लोगों को मैटर करनी चाहिए, दिखानी चाहिए। आप गलत चीज दिखाकर जनता के बीच में, हिंदू धर्म के बीच में, जिन्हें कुछ नहीं पता है उनके बीच आप गलत संदेश दे रहे हो। साउथ की फिल्में पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ, इतने बड़े त्यौहार के साथ मजाक कर रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी राजनीति होगी, जानबूझकर ऐसा दिखाया भी गया होगा कि इसी बहाने साउथ के कलाकारों को टारगेट भी किया जा सके, बदनाम किया जा सके कि देखो जिसे तुम अपना आइडल मानते हो साउथ के कलाकारों को, उनकी मूर्तियां गणेश जी के नाम पर इस तरह से बनाई जा रही है। ये बिल्कुल भी गलत है, इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं लिया गया, ये अपने आप में सोचने वाली बात है।